हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का पेपर देने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं नागरिक शास्त्र का एक वायरल मॉडल पेपर, जो आपके इस बार 2025 पे ऐसे ही पेपर आएगा। न्यू पैटर्न पर आधारित पेपर है ये और वायरल पेपर है। इस पेपर का मैं आज पूरा सॉल्यूशन करके आप लोगों को बताने वाला हूं। जितने भी स्टूडेंट इस बार नागरिक शास्त्र में हैं, एक बार वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहां पर देख सकते हैं 100 नंबर का पूर्णांक है, पेपर कोड भी देख सकते हैं 785 RB पेपर कोड है। अनुक्रमांक यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। मुद्रित पृष्ठ संख्या है 12। समय 3 घंटा 15 मिनट, यानी वही समय निर्धारित है सभी के लिए जो अदर सब्जेक्ट के लिए होता है, 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट ये पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। एक वायरल पेपर है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट। इसमें बताए गए एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस बार 2025 के पेपर में पूछे जाएंगे, तो पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। न्यू पैटर्न पर आधारित ये एक वायरल पेपर है, हल कर लेंगे तो आपका 100 नंबर बिल्कुल पक्का है। नोट में देखेंगे स्टूडेंट, बोर्ड पेपर में आपको 15 मिनट अच्छे से पढ़ लेना है। नोट में है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा नागरिक शास्त्र में। फिर प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 10 शब्दों में देना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 से 26 तक है लघु उत्तरीय, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। फिर प्रश्न संख्या 27 से 30 तक है लघु उत्तरीय प्रश्न 2, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से लेकर 125 शब्दों में देना है। और लास्ट में बचता है, यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या 31 से 32 तक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 300 शब्दों में देना है। ठीक है, तो पूरा निर्देश आपने पढ़ लिया। इसी तरीके से 15 मिनट आपको पढ़ लेना है अच्छे से, नागरिक शास्त्र का पेपर है। 10 देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, पूरे बुक के हर एक चैप्टर के कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। तो प्रथम जो गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन है ये कहाँ कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। तो ये देखिए 4 आपके समक्ष ऑप्शंस हैं, ये देखिए। सबसे पहला है नई दिल्ली, दूसरा है जिनेवा, काहरिया या बेलग्रेड। तो इनमें से पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहले का डी हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी बेलग्रेड, जो कि यूगोस्लाविया, क्या है, यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया में, यहाँ पे देखिए यूगोस्लाविया में ये हुआ 1961 में हुआ। कब हुआ, 1961 में हुआ। 25 देशों में इसमें भाग लिया था, यानी जब ये प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ तो इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पहले का डी राइट आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 7 बहनें का संबंध हमारे देश के किस हिस्से में है। जो विद्यार्थी अपना टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इसी के हिसाब से आपका तैयारी का पता लग जाएगा कि आप अभी कितने तैयार हो नागरिक शास्त्र का पेपर देने के लिए। तो अच्छे से पेपर को सॉल्व कीजिए, इंपॉर्टेंट पेपर है, देख लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो 7 बहनें का संबंध हमारे किस देश में, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत से या पूर्वोत्तर भारत से। तो आपके दूसरे का डी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत से हो जाएगा। अब पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनें का जो राज्य का नाम है स्टूडेंट, वो आपका असम हो जाएगा, पहला असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आपका मेघालय, चौथा मणिपुर, पांचवा मिजोरम, 6 त्रिपुरा और 7वां नागालैंड। सिक्किम आपका नहीं आएगा, सिक्किम काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे, लेकिन सिक्किम एक अलग नया जुड़ा हुआ है, लेकिन सिक्किम नया है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में आपका ये 7 जो बहने का नाम से है ये आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो दूसरे का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एक एक नंबर का है, पूरा कंफर्म हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इंटर सर्विसेस इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है। तो भैया ये किस देश की खुफिया एजेंसी है, ये पाकिस्तान की है, जिसको आई एस आई इंटेलिजेंट सर्विसेस इंटेलिजेंट खुफिया एजेंसी है भैया। जैसे पाकिस्तान इंडिया की क्या है, रॉ, इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है रॉ है।
ठीक है, आपको पता ही होगा। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, अवामी लीग का संबंध किस देश से है। ये काफ़ी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार हमने आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अवामी लीग का संबंध बांग्लादेश से है। अभी बोर्ड एग्जाम में ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बी ऑप्शन सही है कि बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली। तो बांग्लादेश को आज़ादी 1971 में मिली थी, याद रखिएगा 1971 करेक्ट आंसर है। पाँच नंबर क्वेश्चन है, नाटो के संस्थापक देशों की कुल संख्या थी। नाटो क्या भैया, ये है ठीक है, जिसमें 28 से 29 देश शामिल हैं। तो इसमें जो संस्थापक देशों की जो कुल संख्या थी वो आपका हो जाएगा 12, यानी 12 देश इसमें शामिल थे। छः नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखेंगे छः नंबर क्वेश्चन, आराम से देख लीजिए क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। मैं पूरे पेपर का सोल्यूशन करके बताऊंगा और इसी तरीके से पेपर को आपको बोर्ड एग्जाम में हल करना है, कॉपी में लिखना है। छः नंबर है, भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत गुटनिरपेक्षता संविधान के किस भाग से संबंधित है। एक नंबर का ये भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ऑप्शंस में दिखा देता हूँ आपको, फोल्ड करके मैं ऑप्शंस दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है स्टूडेंट। ये देखिए तो छः नंबर का आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपबंध, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार या संसदीय अधिनियम। तो इनमें से जो नीति निर्देशक तत्व है यानी बी वाला ऑप्शन, छः नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सात नंबर, पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल में योजना अवकाश का समय है। तो योजना अवकाश का जो समय है ये आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1960 से 69 के बीच। एक एक नंबर कंफर्म हो जाएगा स्टूडेंट, और एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जैसा कि देख ही सकते हैं कि शुरुआत में ही भैया बहुविकल्पीय पूछ लिया गया है, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आठ नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के कितने देशों के पास परमाणु हथियार हैं। तो आठवें नंबर क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, यूरोपीय संघ में एक जो है इन्हीं के देशों के पास परमाणु हथियार हैं। नौ नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश की यात्रा बिना पासपोर्ट भेजे की जा सकती है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। अब इसका आंसर आप लोग ना बता पाए तो हद है। इनमें से नेपाल हो जाएगा भैया, जो हमारी पड़ोसी देश है, नेपाल की यात्रा बिना पासपोर्ट वीजा के कभी भी आ जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद में देखिए दस नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है, जो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल है ये होता है ये बताना है। तो दसवें का भी ऑप्शन सही हो जाएगा, दो वर्ष का ये कार्यकाल बेसिकली होता है, ठीक है। तो जो हमारा 10 बहुविकल्पीय प्रश्न था वो हमने बता दिया है आप लोगों को। अब हमारा आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसको भी चलिए देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका दो नंबर का होता है, यानी एक प्रश्न दो नंबर का पूछा जाएगा। तो 10 × 20 नंबर इसमें भी आपको कन्फर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देशों का नाम लिखिए। भैया यहाँ पर हमें दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देशों का नाम लिखना है। दो नंबर मिलेगा जब हम छोटे देशों का नाम लिखेंगे। तो दक्षिण एशिया के मालदीव और भूटान, ये भैया दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देशों का नाम है। मालदीव, भूटान की राजधानी थिम्पू, ठीक है। तो मालदीव और भूटान ये एशिया के दो सबसे छोटे जो देशों का नाम है। उसके बाद में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की, यानी धारा जो 370 की हटाने की समाप्ति के दो परिणामों का उल्लेख कीजिए। ये भैया दो नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के समाप्ति के दो परिणाम निम्नलिखित हैं। ऐसे ही पेपर में आप लोग लिखिएगा, जिस तरह से मैंने कहा था ना, मैं पूरे पेपर का आपको सोल्यूशन करके बताऊंगा और ये पूरा सोल्यूशन ही पेपर आपके साथ में मैं लेकर आया हूँ। क्वेश्चन आपका इसी तरीके से पूछा जाएगा, इसका आंसर मैं लेकर आपको बता देता हूँ। इसमें है सबसे पहला बाल विवाह कानून, जमीन सुधार से जुड़े कानून और शिक्षा का अधिकार जैसे कानून लागू हो गए हैं। दूसरा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, देखिए जम्मू कश्मीर अलग आ जाता है और लद्दाख अलग आ जाता है, तो दोनों अलग भैया केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 हैं। कमेंट में आप लोग 8ों का नाम बता दीजिए यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, बता दीजिएगा, पेपर में आता है, ठीक है। तो ये 370 की समाप्ति के दो परिणाम उल्लेख हैं जो कि आपके समक्ष हैं। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन,
13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यूरोपीय संघ की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। 2 नंबर का ये भी प्रश्न है, इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे हमें बताना है। उत्तर देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना सदस्य देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के तथा विश्व में शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए की गई थी। क्या बनाए रखने के लिए की गई थी? आर्थिक एकीकरण एवं मुक्त व्यापार के साथ जीवन स्तर को ऊंचा उठाना भी यूरोपीय संघ के उद्देश्य हैं। भैया जीवन को ऊपर उठाने ये किसका स्वरूप है, उद्देश्य है, ये यूरोपीय संघ का उद्देश्य है। तो ठीक है, इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा बड़े में इसका आंसर भी नहीं देना है कि भैया आंसर बड़े में दे दीजिए, क्योंकि इसमें शुरुआत में ही आप लोगों ने निर्देश को पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया था एक वाक्य में यानी 10 शब्दों में इसका आंसर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए, सबसे अधिक बार, भैया सबसे अधिक बार वीटो प्रयोग करने वाले 2 देशों का नाम बताइए। ये भैया 2 नंबर का क्वेश्चन है और भैया इनमें से देश का रूस और अमेरिका, यही है भैया वीटो पावर सबसे ज़्यादा रूस और अमेरिका ही प्रयोग करता है। ठीक है, वीटो पावर। 15 नंबर क्वेश्चन है, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नामों का उल्लेख कीजिए। कब गिराया गया था स्टूडेंट, अगस्त में गिराया गया था या जून में गिराया गया था, आप बताइएगा। 1945 में गिराया गया था अमेरिका के द्वारा जापान पर। ठीक है, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम लिटिल बॉय तथा फैट मैन था। 2 बम गिराए गए थे, सबसे पहला लिटिल बॉय गिराया गया था, फिर 2 दिन के बाद में फैट मैन गिराया गया था। कब गिराया गया था, 1945 में। किसके द्वारा गिराया गया था, जापान के द्वारा जापान पर, सॉरी अमेरिका के द्वारा जापान पर गिराया गया था। कब गिराया था, 1945 में। और परमाणु बमों का नाम भी दिया हुआ देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर कि साक्षी संपदा से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है और ये पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो साक्षी संपदा का अर्थ चलिए देख लेते हैं। ये देखिए उत्तर देखिए, साक्षी संपदा यानी ब्रैकेट में संसाधन से तात्पर्य ऐसे संसाधन से है जिस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे मैदान, कुआं तथा नदी। इसके संबंध में तर्क यह है, इसके संबंध में तर्क यह है कि ऐसे संसाधन की प्रकृत उपयोग के स्तर और संरक्षण के संदर्भ में समुदाय के प्रत्येक सदस्य को यहाँ पर देखिए समान अधिकार तथा उत्तरदायित्व होंगे। ये साक्षी संपदा का अर्थ है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। आराम से वीडियो को रोक कर सारे क्वेश्चन का आंसर को लिख लीजिएगा, नहीं तो आप एज इट इज समझ लीजिए, क्योंकि पेपर में भैया जब आएगा तो आपको इसी तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों के लिए कार्य कर रही 2 गैर सरकारी संस्थाओं का नामों का उल्लेख कीजिए। 2 गैर सरकारी संस्थाओं के नामों का हमें उल्लेख करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए कार्य कर रहे 2 गैर सरकारी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच है। ठीक है, ये 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर, किन्हीं 2 ऐसे राज्यों का नाम बताइए जो पहले संघ शासित प्रदेश थे। क्या थे, पहले संघ शासित प्रदेश थे, 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश और गोवा राज्य पहले संघ शासित प्रदेश थे, जो कि 18 नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में आपातकाल क्यों लगाना पड़ा, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का है, उत्तर देखिए, वर्ष 1971 में चुनावों के समय कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, किंतु कांग्रेस ने सरकार बनाने के बाद इस दिशा में कोई विशेष कार्य नहीं किया, जिससे देश की सामाजिक आर्थिक दशा में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ। साथ ही पूर्वी पाकिस्तान में आए लाखों शरणार्थियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बहुत बढ़ गया। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान यानी भैया बांग्लादेश से काफ़ी लोग, 1971 में भैया बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और 1971 में काफ़ी लोग जो है भारत एक प्रकार से शरण लेने यानी वहां पर रहने के लिए आए थे, जो कि आपातकाल के 2 कारण बताए गए हैं, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसका सटीक आंसर बहुत बड़े बड़े में हो जाएगा, ये एक ही कारण आप मान सकते हैं, नहीं तो 2 ही मान सकते हो, क्योंकि 2 नंबर का है, ज़्यादा बड़े में लिखना नहीं, इतना ही लिख देंगे तो आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। 20 नंबर और आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 एजेंसियों का नाम लिखिए।
हमें क्या करना है, किन्हीं दो एजेंसियों का नाम लिखना है। उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए अनेक एजेंसियां हैं जिनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो दो हमें बतानी थी, अनेक एजेंसियां हैं तो उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। जैसे सबसे पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसका शॉर्ट फॉर्म है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम यानी यूनियन, यहाँ पर देखिए यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट यूनियन UNDP यानी यूनाइटेड नेशनल्स डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, ये दो एजेंसियों का नाम है जो कि देख सकते हैं, दो नंबर इसमें भी पक्का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी हमारी जो है अति लघु उत्तरीय के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने आपके समक्ष उपलब्ध करा दिए हैं। अब चलिए देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या था संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम में कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट क्या है, प्रोग्राम UNDP, ठीक है, ये समझ लिया आपने। संघ शासित प्रदेश, संयुक्त संघ विकास कार्यक्रम, ये समझ में आ गया आपको। अब चलिए देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि दिया हुआ है। ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है नागरिक शास्त्र में, 5 नंबर का एक प्रश्न होता है बेसिकली। कितने नंबर का, 5 नंबर का एक प्रश्न होता है। टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नागरिक शास्त्र में। तो 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आपका क्या, आपका जो क्या आशय है इसका परिणाम, इसके क्या परिणाम है, इसका आपका आशय क्या है, इसके क्या परिणाम रहे हैं, इसके बारे में बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका भी मैं आंसर आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको प्यारे विद्यार्थी शुरू में ही बता दिया था कि मैं प्रश्न सहित उत्तर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उत्तर देखिए, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान भेदभावपूर्ण, वर्तमान जो है भेदभावपूर्ण व आर्थिक असमानता पर आधारित अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से तृतीय विश्व के देशों द्वारा उठाई गई मांग है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध न्यायपूर्ण व अधिक तर्कसंगत बने और नव उपनिवेशवाद के सभी साधन इसी तरह से संचालित हो कि विकासशील देश भी विकसित देशों की तरह आर्थिक विकास के मार्ग पर चल सके। आर्थिक विकास के मार्ग पर क्या चल भैया, ये चल सके। तो इसके क्या है, हमें सबसे पहले नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आपका आशय क्या, इसके सबसे पहले परिभाषा बता दिया, अब इसके परिणामों को भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के परिणाम निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है विश्व मुद्रा प्रणाली का सामान्यीकरण हो गया है। दूसरा, विकासशील तथा विकसित देशों के बीच विद्यमान तकनीकी भेद को कम किया गया है। तीसरा है विकसित देशों द्वारा विकासशील राष्ट्रों को वित्तीय बोझ कम हुआ है। ठीक है, तो ये नवीन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, पेपर में पूछा जाएगा, इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर, वर्तमान समय में गठबंधन की राजनीति एक आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। क्या भैया, एक आवश्यकता है, इसकी हमें क्या करनी है, विवेचना करना है भैया। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर देखिए, हम आंसर के साथ में बताएंगे और इसका आंसर 50 शब्दों में आपको देना होता है। जैसा कि आप लोगों ने निर्देश को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। उत्तर देखिए, गठबंधन से तात्पर्य उस स्थिति से है जब चुनाव से पहले या चुनाव के बाद एक से अधिक दलों द्वारा आपसी सर्व सहमति से एक साझा कार्यक्रम तैयार किया जाता है। भारत में गठबंधन युग की शुरुआत वर्ष 1989 से हुई। वर्ष 1989 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की पराजय हुई तथा इन चुनावों में जनता दल और अन्य क्षेत्रीय दलों ने स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण आपस में मिलकर एक राष्ट्रीय मोर्चा का निर्माण कर दिया। अब जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं इसका अर्थ क्या होता है गठबंधन, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अभी NDA और क्या है BJP और उसका चुनाव हुआ था, BJP मतलब जो प्रधानमंत्री वाला चुनाव हुआ था ना, तो उसमें गठबंधन सरकार ने 238 या 37 सीटों पाई थी, तो यानी सब मिलाकर सीट पाई थी जिसको गठबंधन कहा जाता है। उसमें समाजवादी पार्टी थी, उसमें कई सारी अन्य पार्टियां भी शामिल थी। ठीक है, और BJP ने केवल 271 या 73 सीटें अकेली जीता था, तो वो अकेला होता है, ये गठबंधन सरकार होता है। इसी को 22 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है और इसका आंसर मैंने दे दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
ये देखिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्यार से देखिए सारे क्वेश्चंस को, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मूलवासी कौन है, मूलवासी कौन है और इनके किन्हीं तीन अधिकारों का उल्लेख कीजिए। हमें भैया तीन अधिकारों का उल्लेख करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर देखिए। वर्ष 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मूलवासियों यानी इंडिजिनस पीपल को परिभाषित किया गया। इसके अंतर्गत मूलवासियों मूलवासियों को उन लोगों का वंशज बताया गया जो किसी देश में लंबे समय से लंबे समय से रहे थे, अर्थात मनुष्य जाति। अर्थात ये देखिए मनुष्य जाति का भाग, वह भाग जो प्राचीन या आदिकाल से किसी विशेष भूभाग से जुड़ा हो तो वहाँ मूलवासी कहलाते हैं। वर्तमान में भारत सहित विश्व के अन्य भागों में लगभग 30 करोड़ मूलवासी रहते हैं। क्या है, 30 करोड़ मूलवासी रहते हैं। इनमें फिलीपींस के कोरडिला क्षेत्र से 20 लाख, चिली से मपूस, यहाँ पर देखिए चिली में मपूसे नामक मूलवासियों की संख्या 10 लाख, बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख, उत्तरी अमेरिका में 3,50,000, पनामा में कुना आदिवासी 50,000, जबकि सोवियत संघ में 10 लाख मूलवासी रहते हैं। तो यानी पूरे 30 लाख मूलवासी रहते हैं, जो कि मूलवासी कौन है और उनके तीन अधिकारों के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इसका आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया। हवा चल रही है स्टूडेंट, तो सारे पेपर उड़ रहे हैं, ठीक है। तो 23 नंबर भी क्वेश्चन हमारा हो गया है, इसका आंसर देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर और समझ लीजिए, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक तथा 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। हमें भैया 2 सकारात्मक प्रभाव बताने, इसके 2 नकारात्मक, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर देखिए। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित हैं। सबसे पहले 2 सकारात्मक परिणामों के बारे में देख लेते हैं। देखिए देश में सबसे पहला, देश में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न गहनता में वृद्धि के फलस्वरूप भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। क्या बना? आत्मनिर्भर बना। दूसरा है कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल पंप आदि का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार तकनीकी के प्रयोग से कृषि का स्तर बढ़ा तथा कम समय और श्रम में अधिक उत्पादन संभव हुआ। ये 2 उत्पादन इसके भैया सकारात्मक हैं। अब नकारात्मक के बारे में देख लेते हैं। हरित क्रांति में धनी किसानों तथा मध्यम वर्गीय किसानों को भी लाभ हुआ और उनकी आर्थिक दशा में वृद्धि हुई, परंतु आम किसान और कृषि मजदूरों को इसका विशेष लाभ नहीं हुआ। और हरित क्रांति ने ग्रामीण क्षेत्रों में अमीर गरीब के बीच को खाई को चौड़ा कर दिया। भैया जो अमीर है वो अमीर हो गया और जो गरीब है भैया गरीब हो गया, तो इसके बीचों में जो खाई थी उसको क्या कर दिया, चौड़ा कर दिया। तो ये हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक प्रभाव है। ज़्यादा बड़े में इसका आंसर मत दीजिएगा, इतने में ही दे दीजिए, आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता को किन्हीं 2 उदाहरण से बताइए। किन्हीं 2 उदाहरणों से बताना है, तो उत्तर देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना था। विश्व में क्या था, शांति स्थापित करना था। इसमें देखिए, इसमें पॉइंट है कि अपनी स्थापना 1945 के पश्चात, जो अपनी स्थापना है यहाँ पर देखिए 1945 के पश्चात से ही इसने देशों के बीच, क्या है, देशों के बीच तनाव कम करने व उनके संकट के लिए हल निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे ब्रिटेन और मिस्र के बीच स्वेज नहर को लेकर उठे विवाद को समाप्त कराया। कई अफ्रीकी देशों मलाया, लीबिया, ट्यूनीसिया, घाना तथा ओगुलैंड आदि को स्वतंत्र कराने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा है सबसे प्रमुख इस संगठन ने शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न तनाव का युद्ध का रूप लेने से रोका है, ठीक है। युद्ध के रूप से, मतलब जो युद्ध का एक प्रकार से रूप उत्पन्न हो सकता है उसको रोका है। तो 25 नंबर भी क्वेश्चन हो गया, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या था प्यारे विद्यार्थी, ये देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय
शांति स्थापना के दो उदाहरण हमने दोनों उदाहरण दे दिया है, ये दोनों उदाहरण है इसके, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 26 नंबर देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि बांग्लादेश में लोकतंत्र पर एक टिप्पणी लिखे भैया, बांग्लादेश पर लोकतंत्र की एक टिप्पणी लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, अंग्रेजी शासनकाल के समय बंगाल और असम के विभाजन हिस्सों में निर्मित पूर्वी पाकिस्तान यानी ब्रैकेट में देखिए वर्तमान का बांग्लादेश वर्ष 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का ही एक अंग था, जो कि भैया ये क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, वो पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन अब ये आज़ाद होकर बांग्लादेश बन गया, वो पश्चिमी पाकिस्तान ही रह गया। इसमें देखिए क्या है, लोकतंत्र में अंग ही था, बांग्लादेश के लोग अपने ऊपर पश्चिमी पाकिस्तान के अधिकार व उर्दू भाषा थोपे जाने पर बंगाली संस्कृत व भाषा के साथ किए गए दुर्व्यवहार का विरुद्ध थे। उसके बाद में देखिए, इन सभी कारणों से वहां के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान के एक स्वायत्तता हेतु पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध जाकर शेख मुजीबुर रहमान का जनसंघर्ष या जन आंदोलनों के नेतृत्व में सहयोग किया, ठीक है। 1971 में इस देश को आज़ादी मिली थी भैया पश्चिमी पाकिस्तान से, जो कि पूर्वी पाकिस्तान बदलकर नाम इसका बांग्लादेश रख दिया गया, जो कि भारत ने 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने में काफ़ी सहयोग किया था। उस समय के भैया प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान ने मुक्ति वाहिनी चलाई थी और अवामी लीग इन्हीं का संबंध है भैया बांग्लादेश से। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों ने देख लिया है। अब हमारा आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है, 100 से लेकर 150 शब्दों में इसका आंसर आपको, 125 शब्दों में इसका आंसर आपको देना होता है। जैसा कि यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में आर्थिक विकास में पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का परीक्षण कीजिए, तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने नहीं बताया स्टूडेंट, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसका आंसर आपको नहीं मिला है, ठीक है। अब इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा, इसका आंसर आपको बुक में मिलेगा, ठीक है, किताब में मिलेगा। किस चैप्टर में मिलेगा, चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति, जो नियोजित यहाँ पर देख दीजिए, नियोजित विकास की राजनीति, की राजनीति जो आपका चैप्टर है ना, ये क्वेश्चन मिलेगा इसमें। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ प्रणाली की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो चैप्टर 1 2 ध्रुवीयता का अंत में 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। उसके बाद में देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कि देश की विभाजन के बाद रियासतों यानी रजवाड़ों के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए, तो ये भी क्वेश्चन आपको कहाँ पर मिलेगा, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जो कि चैप्टर 1 है आपका, ठीक है, चैप्टर 1 आप लोगों को पता ही होगा, सेक्शन बी का चैप्टर 1 जो कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ है, इसमें ये 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान शस्त्रीकरण व निःशस्त्रीकरण की 3 प्रकारणों का उल्लेख कीजिए, इसका भी आंसर आपको बुक में ही मिल जाएगा। आ चुका है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टूडेंट, क्या आ चुका है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि सिर्फ क्या है, 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, जिनमें से 8-8 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, तो 8 × 2 = 16 नंबर आपको दे दिया जाएगा। 300 शब्दों में इसका आंसर आपको देना होता है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, ये देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कि गुट निरपेक्षता से क्या आशय है, भारतीय विदेश नीति के निर्धारण से क्या प्रशंसनीय रहा, इसके बारे में बताना है। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा, भारत में विदेश जो संबंध है, भारत में विदेश संबंध चैप्टर 4 सेक्शन बी का, उसमें इसका आंसर मिल जाएगा, अथवा इसमें लगा है, चाहे आप ये शीत युद्ध के दौरान भारत में क्या भूमिका थी इसके बारे में कर दीजिए, यानी दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है, 8 नंबर आपको दे दिया जाएगा। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है कि आपातकाल के बाद भारतीय राजनीति में क्या परिवर्तन आए, समीक्षा कीजिए, तो ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा इसमें भी लगा है, चाहे आप ये 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर निबंध लिख दीजिए, यानी आपको करना तो सिर्फ क्या है, 4 क्वेश्चन है, करना 2 ही क्वेश्चन है, जिसके लिए 16 नंबर दिया जाएगा, तो कर लीजिए।